तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को सुगम बिहार, तो बिहार में जो नया स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उसको रिचार्ज करने के बारे में किस ऐप का उपयोग करेंगे और उस ऐप में लॉगिन कैसे करेंगे, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ से देखो, बिहार सुगम स्मार्ट मीटर को सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर आपको डाउनलोड कर लेना होगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपको देख सकते हैं, यहाँ पर बिहार सुगम स्मार्ट मीटर का जो लोगो है NB करके आएगा ऐसे करके, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा होगा, ठीक है। यहाँ से आप जो है कंज्यूमर नंबर और यहाँ से मीटर नंबर डाल के आप लोग आराम से इससे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद इसमें आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, मीटर नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा वो मैं आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा, ये जो है आपको शो दिखाई दे रहा हो, ये मीटर नंबर है। आप यहाँ से डायरेक्टली इसको यहाँ पर टाइप करके, यहाँ से हम अभी कंज्यूमर नंबर डाल रहे हैं। कंज्यूमर नंबर डालने के बाद इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है डालेंगे, मोबाइल नंबर लॉगिन करेंगे। उसके बाद इस पर दोनों डालने के बाद इसको लॉगिन वाले ऑप्शन पर हम लोग जैसे क्लिक करेंगे, वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको OTP आएगा, ठीक है। चार डिजिट का OTP आता है, वो जो 16 18 कैसे करके OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका जो है इसमें आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। इसमें रिचार्ज कैसे करना है इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।